हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल एंड द चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल इज एन एजुकेशनल चैनल वेर इन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सारे टॉपिक्स जिसमें टाइम एंड वर्क, फिर हमारा एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एवरेज, जो जो टॉपिक्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो डेफिनेटली डिस्कस हो रहे हैं। सो जो बच्चे 6 से लेकर 10 ग्रेड में, उनके लिए भी वो यूजफुल रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मैथ्स, अ सेपरेट प्लेलिस्ट इज डेडिकेटेड फॉर इट। अब दूसरा है हमारा कंप्यूटर सेक्शन। हमको पता है कि आजकल सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट, एक मैंडेटरी पार्ट है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड दोज हु आर नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड उनको बहुत डिफिकल्टी होती है और उसमें जनरली मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है इसी पर्पस के लिए। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उस सेशंस को, बड़े बड़े सेशंस नहीं है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स ऑफ सेशन, अगर आपने डेफिनेटली उन सबको अच्छे से कर लिया है तो डेफिनेटली आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक भी मार्क्स कट जाए। तो आप पूरे प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए एंड यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। और तीसरा जो हमारा फोकस है, पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस, दोज हु आर अप्लाइंग फॉर पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिसमें पूरा ग्रेड 11 12 का सिलेबस पूछा जाता है, तो हम उस पे भी काम कर रहे हैं। उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है। तो ग्रेड 11 एंड 12 चिल्ड्रन ऑल्सो, सो यू ऑल ऑल्सो नीड टू रिवाइज, यू नो ना, इन दैट फर्स्ट चैप्टर ग्रेड 12 यू विल हैव दिस द रिविजन ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो वो पार्ट हो चुका है, डेटाबेस हो चुका है, तो आप जाओ रिवाइज करो। सो दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो बिफोर आई मूव अहेड विद द सेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि और सेशन ऐसे आते रहें। तो आज का सेशन है वो बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स के डेट आ चुके हैं, अब बस लास्ट मिनट रिवीजन होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर ले कंप्यूटर सेक्शन की। लास्ट मिनट रिवीजन में क्या पता हमारे बहुत सारे क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन इसी में से फंस जाए, तो किस बात की है देरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी आपने एग्जाम अप्लाई किया है, जनरली अभी ईएमआरएस का आने वाला है, तो ईएमआरएस में कंप्यूटर सेक्शन का अच्छा खासा वेटेज है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मार्क्स उसमें कटें, तो इसीलिए लग जाइए साथ में तैयारी में। सो द बेसिक कंप्यूटर एमसीक्यू, चलिए तुरंत शुरू करते हैं। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस विच, फर्स्ट जनरेशन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कि फर्स्ट जनरेशन क्या था। ये वैक्यूम ट्यूब्स तो फर्स्ट जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन का इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये हमको पता है। सेकेंड जनरेशन, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये लोग वो लोग पूछते ही हैं ट्रांजिस्टर्स। ओके, सेकेंड जनरेशन इज द ट्रांजिस्टर्स, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल। तो ये सारे क्वेश्चन, अराउंड 40 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 3 दिन में ऐसे सीरीज लाने वाली हूँ जो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन इज वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन इज ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इज इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जेनरेशन इज माइक्रो प्रोसेसर्स। एकदम याद कर लीजिए माइक्रो प्रोसेसर्स, ये जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। और फिफ्थ जेनरेशन इज योर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारों को तो ऑलरेडी अब क्वेश्चंस याद हो गए होंगे जिन्होंने अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दी है। सो लेट अस वेट। सो ओके, Which of these languages uses a two-step compilation process, both interpreter and compiler? So, कौन सा लैंग्वेज है जिसमें टू स्टेप कंपाइलेशन है, वो है हमारा जावा। उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होता है। हमेशा याद रखना, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स,
क्यों काम करते हैं ये लोग, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। दोनों का फंक्शन सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? इंटरप्रेटर कन्वर्जन लाइन बाय लाइन करता है, ये एकदम याद रखना, लाइन बाय लाइन करता है, और जो कंपाइलर है ऑल एट वंस, द इंटायर प्रोग्राम कन्वर्जन इट डज एट वंस। तो जहां पे लाइन बाय लाइन आ गया लैंग्वेज प्रोसेसर, तो वहां पे इंटरप्रेटर आ जाएगा, जहां पे ऑल एट वंस आ गया वहां पे कंपाइलर आ जाएगा। व्हाट इज अ फायरवॉल? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, इट इज वेरी पॉजिटिव, मतलब ये अच्छे पर्पस के लिए यूज होता है। फायरवॉल इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, और किसी लिए यूज करते हैं? सिस्टम विच इज डिजाइन टू प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए फायरवॉल यूज किया जाता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये फुल फॉर्म्स एब्रीविएशन का एक अलग से सेशन मैंने बना रखा है, उसमें से कुछ भी आ सकता है, बट वॉट एवर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट वी विल डिस्कस इट। द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी है इसका आंसर। आई इज इंटीग्रेटेड, एस इज सर्विसेज, डी इज डिजिटल, एंड एन इज नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। डैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट्री इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट्री जो कंप्यूटर सिस्टम का है वो है कंट्रोल यूनिट, जो कि डायरेक्ट करते हैं अंदर में ऑपरेशन को, प्रोसेसर के ऑपरेशन को, दैट इज कंट्रोल यूनिट। स्विच, अब हमने सुना होगा स्विच है, राउटर है, हब है, ये सुना होगा, व्हाट इज इट? ये हमको पता है, ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज टू कनेक्ट द नेटवर्क डिवाइसेस, ओके, कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे जो पहले हब और स्विच का काम एक जैसा ही होता था कि वो कनेक्ट कर रहा है, मगर जो स्विच है वो हब से थोड़ा इंटेलिजेंट है। हब क्या करता है, हब के पास जो भी मैसेज आता है वो क्या करता है, सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है कि ये लो सब, जिसको ये मैसेज जिसके लिए वो देख के पढ़ के देख लो कि किसके लिए ये मैसेज है। सो इट इज नोन एज द मल्टीकास्ट, हब को क्या बोलते हैं, मल्टीकास्ट, और एकदम डम्ब है, इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। और स्विच ट्रांसमिट्स द मैसेज टू द वन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड टू बी, द स्विच इज इंटेलिजेंट, ओके। अब है सेकेंड जेनरेशन, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड जेनरेशन है हमारा ट्रांजिस्टर्स, फर्स्ट जेनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड इज ट्रांजिस्टर, थर्ड इज इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच, व्हाट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड? इट इज नोन एज द ईनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जेपी एकर्ट एंड मॉचली ने बनाया था, ओके, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इट इज लाइक, याद करने का है तो एकदम याद कर लेना। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? सो माउस डॉगलस एंगलबर्ट, He was the person who invented the computer mouse. Which of the following is the smallest unit of data in the computer? वैसे तो मैंने मेमोरी का पूरा डिस्कस किया है कि बिट आता है, बाइट आता है, बिट बाइट केबी एमबी गीगाबाइट टेराबाइट पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो उसका सीक्वेंस तो आप लोग याद कर ही लेना कि किलोबाइट बड़ा है, मेगाबाइट कौन बड़ा है, मेगाबाइट बड़ा है, फिर जोटा बाइट आता है, येटा बाइट आता है, फिर बाद बाद में तो पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जोटा बाइट, येटा बाइट, ये सब है, ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो ये हमको पता होना चाहिए ना। अब इसमें अगर बिट नहीं दिया होता तब तो हम बाइट करते है ना, तब तो हम निबल करते, वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट, ये याद रखना, वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, और यहाँ पे हमको क्या दिया है, निबल भी दे रखा है, तो वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, और यहाँ पे बिट्स भी दे रखा है। बिट मतलब अ बाइनरी डिजिट, बिट मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट, 0 एंड 1, दैट इज द बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पे बिकॉज ऑप्शन में बिट है तो इसलिए हमने बिट किया, वरना ऑप्शन में ऐसे आता है कि बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट और योटा बाइट, कौन सा सबसे बड़ा है, योटा बाइट, सबसे छोटा कौन सा है, बाइट, तो ये हमको पता होना चाहिए सीक्वेंस।
Which of the following service allows a user to log in into another computer somewhere on the internet? तो ये है टेलनेट. टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, हमेशा जो रिमोट लॉग, जब भी हमारे पास ये टर्म आ जाएगा रिमोट लॉग इन का, अगर हमको किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करना है, द प्रोटोकॉल विच इज यूज इज टेलनेट. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट, ड्रॉइंग टेक्स्ट और अदर इमेज इन टू डिजिटल फॉर्म. अगर हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास एक फोटो है, अब मैं क्या बोलती हूँ, अरे इसको तो मुझे मोबाइल में चाहिए या कंप्यूटर में चाहिए, लैपटॉप में चाहिए, तो हम बोलते हैं स्कैन करो स्कैन करो. तो स्कैनर ही तो यूज होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट है अगर हमको उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट्स नथिंग मोर अदर देन द स्कैनर. एंड रिमेंबर स्कैन इज एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है. द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर. अब मैक्सिमम लोग जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं, वो तो बोलेंगे चार्ल्स बैबेज. नहीं जी, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई जॉन वॉन न्यूमैन. ही इज द पर्सन हु गेव द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर. और चार्ल्स बैबेज ने कौन से दो इंजन, डिफरेंस इंजन दिए थे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. तो इनका कॉन्सेप्ट दिया था हमारे चैनल्स चार्ल्स बैबेज ने, एनालिटिकल इंजन. तो इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं. और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग. सो पढ़ना पड़ेगा. यस, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन. चार्ल्स बैबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर. फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज नथिंग बट एलन ट्यूरिंग. Which of the following is a type of virus? Trojan horse. It is a type of virus. ये सब तो keyboard input device है, mouse input device है, printer output device है. Very easy. GUI stands for graphical user interface. Graphical user interface. GUI stands for graphical user interface. Very easy peasy. Which of the following circuit is used as a memory device? Memory device computers में किसको use करते हैं? एकदम याद रखना, flip flop. It is used as a memory device in the computer. Flip flop. Electronic, digital electronics का part है. We need not go into the details. और मगर flip flop से मुझे याद आया कि questions आते हैं. Which of the following are universal gates? ठीक है, universal gates का question आता है, तो उसमें याद रखना NAND and NOR. इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है. नैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड गेट. नॉर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और. ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट है क्योंकि कोई भी गेट इन सब, इन दोनों गेट से डिराइव हो सकते हैं, तो ये दोनों को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. While sending the same email to various people, the dash option is used only when the list of the recipient is not to be shared with the other. That is BCC. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक मेल पांच लोगों को भेजूं और पांचों को पता नहीं चले कि ये इसको भी भेजा गया है, that is blind carbon copy. BCC, that is known as the blind carbon copy. Okay. Dash folder of an email account contains all the received email. Received email obviously हमको पता है inbox में होता है. It is a very simple question, मगर we have to just revise everything. SMTP, it is known as simple mail transfer protocol. SMTP, हमेशा जब हम एक mail भेजते हैं, email that is electronic mail भेजते हैं, तो जो protocol काम करता है जब हम mail को भेजते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में, वो एसएमटीपी है. जो प्रोटोकॉल यूज होता है मेल को रिसीव करने के लिए, उसको बोलते हैं पीओपी. आजकल पीओपी 3 आता है, मतलब कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. दैट 3 इंडिकेट्स द वर्जन. तो सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है मेल को रिट्रीव करने के लिए. एन एरर इन द कंप्यूटर इज नोन एज द बग. एरर को क्या बोलते हैं? बग. और अगर हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट एरर, वी से दैट इट इज डिबगिंग द एरर. ठीक है, एरर को बग बोला जाता है. विच प्रोटोकॉल हेल्प्स टू रिट्रीव द ईमेल? तो रिट्रीव ईमेल के लिए पीओपी 3, इट इज इट. ओके, यूजिंग अ लोकल क्लाइंट.
विच इंटरनेट सर्विस इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ ऑनलाइन मनी, किसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ई शॉपिंग में तो सबको मजा आता है, मगर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द ऑनलाइन मनी फ्रॉड एंड लॉट्स ऑफ फ्रॉड्स हैपनिंग, पीपल कॉलिंग एंड आस्किंग यू टू शेयर द ओटीपी, नेवर शेयर द ओटीपी, किसी भी लिंक में नहीं जाना है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे ही कुछ फेस्टिवल शुरू होता है, पीपल स्टार्ट सेंडिंग लिंक्स की लिंक में क्लिक करो तो आपको मैसेज जाना है, नेवर क्लिक ऑन लिंक्स। द क्लिकिंग ऑन लिंक मे लीड यू टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर लिंक में क्लिक नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो लिंक क्लिक नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी सेफ एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन। हमको पब्लिक वाईफाई यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं अच्छा यहाँ पे वाईफाई है, चलो चलो ये कर लेते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो नहीं, बी वेरी केयरफुल। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो मोबाइल हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर दो लैपटॉप से, मगर वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Dash is like a private chat room where both the users must be online at the same time. Instant messaging, IM instant messaging is the thing. The use of the internet and other electronic means to harass a person is known as cyberbullying. आजकल बहुत ज्यादा राइज में है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड टू मेक आर चिल्ड्रेन एंड जो भी बच्चे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, वी नीड टू मेक देम वेरी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ हैरेसमेंट्स हैपनिंग। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर के लिए जो होते हैं उनको आइकन बोलते हैं। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज द आइकन। व्हाट इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट लोड्स व्हेन वी turn on the computer? That is operating system. Fine, maybe important hai. Which protocol is used to send the messages? SMTP. What is the full form of POP? post office protocol. An email address consists of two parts separated by the @ symbol, a username and a domain name. So that is the answer, domain name. Myntra.com, it is an example of e-shopping. Everyone knows that, yes, it is e-shopping. Which internet service is used for virtual meetings and involves the use of video camera connected to two or more computer? That is nothing but video conferencing. That is the video conferencing. What is the last part of the URL known as uniform resource locator? URL मतलब uniform resource locator, एक global address जो होता है, जैसे मैं बोलूंगी https www, तो पूरा जो address है उसको URL बोलते हैं। उसके last part को हम बोलते हैं path define करता है। So we are having the scheme which identifies the protocol, then the host, then the domain and then the path. So ये भी मैंने एक डिस्कस किया है URL के बारे में, अच्छे से डिस्कस किया था एक क्लास में, वो जरूर जाके देख लेना आप लोग। The zero and one in the binary number system are called binary digits or bits. Very very important, bits या binary digits बोला जाता है। What is the name of the character based addressing system? Domain name system DNS. Domain name system. और जो नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम होता है उसको बोलते हैं आईपी। ओके, आईपी इंटरनेट एड्रेस। ओके, और आईपी एड्रेस 4 नंबर्स का पार्ट होता है। इट इज सेपरेटेड बाय 1, 2, 3, 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड डीएनएस इज द कैरेक्टर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम। सेंट्रल कंप्यूटर विच इज पावरफुल देन अदर कंप्यूटर। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो एक सर्वर होता है वो जो बाकी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड क्लाइंट आस्क फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर, सर्वर गिव्स द रिक्वेस्ट, फीड्स द सर्वर रिक्वेस्ट। सो दैट इज द सर्वर एंड द क्लाइंट। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली रिवाइज कर लेने हैं। अभी एक दो दिन में तुरंत और सेशंस आने वाले हैं जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन में वीडियो चाहिए कि ये पार्ट क्लियर नहीं है, डेफिनेटली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, जस्ट गिव योर मैसेज एंड आई विल जस्ट मेक इंश्योर दैट यू आई क्लैरिफाई द टॉपिक फॉर यू। Fine, and definitely make sure you are liking, sharing, and subscribing to the channel. So, everyone, thank you, and God bless you all. Bye bye, everyone.